और तुम्हारा 15,170 रुपये 12 घंटे का है। ठीक है। हाँ, 26 दिन ड्यूटी का। डिप्लोमा वाले की बात करें तो ये ITI जो है अप्रेंटिस है, सिर्फ ITI अप्रेंटिस है और डिप्लोमा भी अप्रेंटिस है। डिप्लोमा भी। डिप्लोमा की सैलरी है 17,240 रुपये। हेलो जी, मेरा सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपके लिए काम करता हूं, मैं आपको बता दूं नोएडा, दिल्ली NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद में जॉब कैसे मिलता है। तो इस समय हम फरीदाबाद के लोकेशन पर हैं। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद के लोकेशन में और एक नई कंपनी में हायरिंग चल रही है। कंपनी का नाम है न्यू अलवरी वर्क्स, है ना, जो कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनाती है। जी सर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जॉब कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये इस कंपनी में आपको ऑन रोल जॉब मिलने वाला है। अगर आपको भी जॉब की तलाश है, जॉब नहीं मिल पा रही हो, तो ऐसे कंडीशन में इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रोड पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, कंपनी के सामने क्यों वीडियो नहीं बना। जस्ट इसके पीछे ही कंपनी है, मात्र यहाँ से 20 मीटर की दूरी, मतलब 10 कदम की दूरी पर है। कंपनी के ठीक सामने वीडियो बनाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर लगा दूंगा जिससे आप सभी को हेल्प मिल जाएगा, बट कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो वीडियो बनाने ही नहीं देती। भाई साहब, ऐसे बना रहा हूँ, पीछे से आएगा कार्ड, मोबाइल लेके चला जाएगा, माइक लेके चला जाएगा। मतलब यार सही है, अगर कोई कंपनी के हमारे घर की कोई वीडियो बना रहा है, हम कैसे बनवाने देंगे। अप्रूवल तो ज़रूरी होती है ना। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी सर। क्या नाम है सबसे पहले, नाम जानना चाह रहा हूँ आपको। रजत गौतम। रजत जी। जी। कहाँ के रहने वाले आप। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। गुड़गांव बराबर माने सर। जी। एज कितनी है आपकी। मेरी 22 साल। 22 साल टोटल हो चुकी है। जी। कितने पढ़े लिखे, कितने क्वालिफिकेशन। मैं ग्रेजुएट हूँ बीकॉम। ग्रेजुएट। जी। अगर सर हम बात करें अभी, कितने कंपनी आपका टाई है, फिर कितने कंपनियाँ आपके पास। भाई मेरे पास मानेसर गुड़गांव में है, नोएडा में है, डिक्सन है और फरीदाबाद में नया प्लांट आया है न्यू एल एनवेरी वर्क के नाम से। इसमें हायरिंग आज से चालू हुई है हमारी, तो यहाँ पे हमें भर्ती देनी है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या मैनुफैक्चर होती है न्यू एलवेरी वर्क में। इसमें गियर बॉक्स का काम करती है कंपनी। 10th 12th ITI डिप्लोमा बीटेक वाले बंदे को ले रही है ये कंपनी अप्रेंटिस पर। 10th 12th वालों का PFESI काटेगी, इन हैंड में मिलेगा पूरा जो भी मिलेगा। 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की भी ड्यूटी है इसमें। अच्छा, ये अप्रेंटिस आप कराओगे। कंपनी रोल पे होगा जो होगा, मतलब अप्रेंटिस करेंगे रहेंगे कंपनी के रोल पे। रहना होगा वो बंदे का अलग होगा, कंपनी के अंदर खाना होगा और कंपनी में टी स्नैक्स वगैरह देगी, 2 टाइम टी स्नैक्स वगैरह होगा और 1 टाइम खाना होगा, जिसको 24-28 रुपये पर पे करना पड़ेगा पर डे। बात करें अभी 10th 12th वालों की, क्या सैलरी है सर। 8 घंटे की है 10,750 रुपये, 12 घंटे की 13,500 रुपये हो जाएगी। 26 दिन वर्किंग है। संडे छुट्टी है। संडे छुट्टी है। ठीक है। बाकी अगर ITI वालों की बात करें तो ITI की 11,000 इन एंड है 8 घंटे का और तुम्हारा 15,170 रुपये 12 घंटे का है। ठीक है। हाँ, 26 दिन ड्यूटी का। डिप्लोमा वाले की बात करें तो ये ITI जो है अप्रेंटिस है। सिर्फ ITI अप्रेंटिस है और डिप्लोमा भी अप्रेंटिस है। डिप्लोमा। डिप्लोमा की सैलरी है 17,240 रुपये। हल्का से। हाँ, 17,240 रुपये 12 घंटे का। हाँ, 12 घंटे। जी। अब बीटेक वालों की क्या सैलरी होगी सर। बीटेक की यही सैलरी रहेगी जो डिप्लोमा की मैंने बताई है, 12 घंटे की 17,240 रुपये। कितनी वैकेंसी हैं सर, अगर बंदे बाहर से आते हैं, जैसे आपको भी सब पता होगा जो बंदे बाहर से आते हैं, अगर उनकी जिम्मेदारी हमारा, उनका भरोसा हमारी जिम्मेदारी बन जाए। जी सर, 500 से 700 मेन पावर चाहिए हमें। जी। अच्छा, एज क्राइटेरिया कितने होने वाला सर इसमें। 18-32 साल। 18 से 32 साल। जी। अच्छा, एक बात बता, जैसे कि जब अप्रेंटिस करने के बाहर निकलते हैं तो क्या अच्छी कंपनियां उनको हायर कर लेती है। जी बिल्कुल, बंदे का क्वालिफिकेशन देख के कंपनी हायर करेगी उसको। जी। अच्छा, नियर बाय अगर हम बात करें तो प्लॉट नंबर कितना कंपनी का। 14/7। 14/7 नियर में तुम्हारा फरीदाबाद सेक्टर 28 मेट्रो। जी। 28 मेट्रो के पास में ही है। हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें, हम क्या नॉर्मली इंटरव्यू होता है यहाँ पे जॉब के लिए, जो जैसे आपने बताया मामूली इंटरव्यू होता है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, उसी पे डिपेंडेंट करता है सारी चीज़ें। सर ये बताओ, ठंड तो बहुत है अभी, अब ठंड तो रहेगी, वो तो मौसम मौसम की बात है, लेकिन आज सूर्य धूप निकल आई है, अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताए आप सर, जैसे कि मान लीजिए कैंडिडेट आते हैं, उनको जॉब मिल जाता है, तो रूम की क्या फैसिलिटी है आसपास। रूम की पास में ही यहाँ पे रेलवे लाइन से क्रॉसिंग बार रूम मिलते हैं और सारी चीज़ हमारा सुपरवाइज़र राहुल है, वो सारा कोऑपरेट करेगा बंदे के साथ। अच्छा। बंदे की पूरी हेल्प करेगा रूम दिलाने में, सारा कुछ वो देखेगा, रूम वगैरह वो प्रोवाइड करा दें। हाँ, वही प्रोवाइड। स्टार्टिंग कितने से हो जाती है सर।
स्टार्टिंग वही 3-3.5 हज़ार रुपये का, और शेयरिंग में मिलेगा, 3 रह सकते हैं आराम से जो बंदे के बजट में होगा। मतलब 1000 रुपये पर एक बंदे का? हाँ बिल्कुल, 1000 रुपये पर बंदे का पड़ जाएगा। बस यार रजत भाई, हमारी बस यही पहल होती है, जो भी हमारे भाई बेरोजगार, थोड़ा ऐसे हो जाओ, जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कंडीशन में हम उनकी थोड़ी हेल्प कर पाएँ, अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना। तो दोस्तों आज की वीडियो मुझे आपको बताना था कि न्यू एलबरी कंपनी है जो कि फरीदाबाद में है, इस समय हम फरीदाबाद के लोकेशन पे हैं। अच्छा, हमने वहाँ पे वीडियो क्यों नहीं शूट किया, एक रीज़न बता दो कि हमने बताओ। वो थोड़ा कंपनी का इशू हो जाए, कंपनी वगैरह नहीं चाहता ऐसा कुछ ना सर, क्योंकि हम बता रहे हैं कंपनी नहीं चाहती कि हमारी जो है कंपनी के सामने कोई भी आके वीडियो बनाए। बिल्कुल इसी गली में ही है ना, भारत पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने। आइए मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा आइए, आप थोड़ा सा आइए, आप भी साथ साथ चलते रहना। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, इधर इधर थोड़ा इधर फेस दिखा दे, मैं आपको दिखा दूँ नोएडा सेक्टर 28, सॉरी फरीदाबाद सेक्टर 28 का मेट्रो है, और बिल्कुल इसी गली में आपको जाना है। बॉर्डर बॉर्डर, ये भारत पेट्रोलियम है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, ठीक है, इसी के बगल साइड से रास्ता गया हुआ है, मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही कंपनी है। आइए थोड़ा दिखाते हैं, आइए। अच्छा मेट्रो कितना दूर है साहब? मेट्रो ये रहा सामने, ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर। आइए देखते हैं, बिल्कुल यही रास्ता जाएगा, आ जाओ आ जाओ। मैं आपको दिखा दूँ, यहीं आपको आना है और बिल्कुल यही रास्ता जाएगा, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे ही है, तो आप आराम से आ सकते हो, जॉब यहाँ कर सकते हो। आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ सर। अच्छा एक बात बता दो, ये जॉब बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी प्रकार कोई चार्ज, कोई पैसा तो? कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है। ऐसा तो नहीं कि आने के बाद फिर उनसे चार्ज मांगा जाए, पैसा मांगा? कुछ नहीं मांगा जाएगा, है ना, आराम से उनको जॉब मिल जाएगा, फ्री जॉब मिलेगी भाई। हम नहीं चाहते कि हमारे वीडियो के माध्यम से किसी भाई के साथ कुछ गलत हो। नहीं नहीं नहीं, कोई गलत नहीं होगा, फ्री जॉब है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा हम इस पे किसका नंबर दे सकते हैं, आपके सुपरवाइजर का नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे सुपरवाइजर का जो साइड पर रहेगा, दो सुपरवाइजर हैं, हरिंदर सर हैं और हमारे सुपरवाइजर राहुल हैं। अच्छा। उन दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा बंदा जी। बस यार दोस्त, हमारी पहल जो भाई बेरोजगार है उनको सही रास्ता दिखाना। अभी इस समय हम फरीदाबाद के लोकेशन पे है, फरीदाबाद सेक्टर 28 मेट्रो के पास में ही है ना सर? जी बिल्कुल। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका रहा भारत पेट्रोलियम, यहाँ से बिल्कुल रास्ता गया हुआ है, यहाँ से आप आराम से जाओगे या फिर इनको कॉल कर लेना, आपको कॉल कर लेंगे आराम से। जी हाँ, मेरे को कॉल कर सकते हैं, कॉल करना, बोल देना कि नोएडा सेक्टर 28 मेट्रो पे है, तो आप आइएगा, आपको जॉब देगा, जॉब ऑन रोल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑन रोल जॉब होने वाला है, रूम की भी हम ये फैसिलिटी दिलवा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये जो मेहनत हो रही है, ठंड में 30 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ यहाँ नोएडा से, 30 किलोमीटर पड़ती है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही पड़ता है, 30 किलोमीटर गाड़ी चला के आना फिर जाना। इनके पर्सनली मैं आपके लिए आया था सर। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे लिए फरीदाबाद की वीडियो आ जाएगी, तो जो हमारे आसपास के जो भाई है ना जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही, वो आपसे कोऑर्डिनेट करके उनको जॉब मिल। जी सर बिल्कुल, बस यही हमारी प्यार है, आप प्लीज यार साथ दो, आपसे थैंक यू साथ दोगे ना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नई नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।